एटा से कल अलीगढ़ भेजे गए 16 वेंटिलेटर मामले में समाज सेवी मेघा व्रत शास्त्री बैठे धरने पर। कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर धरने पर बैठे समाज सेवी मेघा व्रत शास्त्री पिछले वर्ष कोरोना काल में एटा को मिले थे 20 वेंटिलेटर। कोविड काल में 4 वेंटिलेटर का किया गया संचालन। महिला अस्पताल में निर्माणधीन मेटर्निटी विंग में लगाने थे 12 वेंटिलेटर। एटा डीएम डॉक्टर विभा चहल ने धरने पर बैठे समाज सेवी मेघाव्रत शास्त्री से फोन पर की बात। समाज सेवी से फोन पर हुई बात में डीएम ने वेंटिलेटर वापस आने की कही है बात। वेंटिलेटर वापस ना आने पर आमरण अनशन पर बैठने की जिला प्रशासन को दी चेतावनी। धरने पर बैठे हैं, क्या जिला प्रशासन से मांग है आपकी? हमारे टैक्स के पैसे से वेतन पाने वाले प्रशासनिक अधिकारी, लोकतंत्र में हमारे वोट से राजा बन के बैठने वाले विधायक या सांसद, जब ये लोकतंत्र की सारी तासीर को मार के सामंतशाही में चले जाएं, सामंतशाही का मतलब वो है जिनके ऊपर ये शासन कर रहे होते हैं उन लोगों के ऊपर जबरदस्त शोषण और अत्याचार करें और उनकी मौत का कारण बने। पूरी दुनिया जब महामारी के इस दौर में अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कर रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा वो संसाधन देने की कोशिश कर रही है जिनसे उनकी जान बचे, ऐसे दौर में भारत का एक जनपद एटा ऐसा है जो अपने संसाधनों को दूसरी जगह फेंक रहा है। जबरदस्त प्रशासनिक अदक्षता, जबरदस्त राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण एटा के लोगों को सीधे मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। जब से एटा के लोगों को यह पता चला है कि उनके 20 वेंटिलेटर में से 16 वेंटिलेटर को अलीगढ़ भेज दिया गया है, एटा की पूरी जनता में जबरदस्त आक्रोश और विद्रोह है। उस विद्रोह की परिणति यह है कि आज हम यहां धरने पर बैठे हैं। हमारी सीधी मांग है या तो वो 16 वेंटिलेटर यहां आ जाए, नहीं तो 3 दिन बाद आमरण अनशन शुरू होगा, या तो वेंटिलेटर आएंगे या यहां से हमारी अर्थी उठे। अभी डीएम एटा से आपकी फोन पर बात हुई है, क्या वार्तालाप हुआ आपका? डीएम एटा के प्रति हम सबका जबरदस्त विश्वास है, उनके प्रति जबरदस्त स्नेह है, जो उनकी कार्यशैली है उसे देख के। अभी उन्होंने फोन पर मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने वो सारे के सारे वेंटिलेटर यहां मंगा लिए हैं। मैंने उनको एक आग्रह किया कि जैसे डीएम कासगंज ने अपने वेंटिलेटर के लिए जब वहां स्टाफ की कमी थी तो एक विज्ञापन निकाला और कहा कि जो लोग ट्रेंड एनेस्थीशियन है या रिटायर हो गए या उस विषय में वेंटिलेटर को चलाना जानते हैं वो आए और इस दौर में सेवाएं दें। उसका परिणाम यह हुआ कि सारे 20 के 20 वेंटिलेटर कासगंज के आज उपयोग में है, लेकिन एटा में ऐसी कोई पहल नहीं की गई। शायद मैंने उनसे निवेदन किया है कि वो ऐसा करें, अगले चरण में वो हो सकता है ऐसा करें और हमारे वेंटिलेटर हमारे उपयोग में आएंगे जिससे एटा के व्यक्ति को जीवन मिलेगा। अब तक 24 लाख पर सिर्फ 4 वेंटिलेटर है, मतलब 6 लाख की आबादी पर 1 वेंटिलेटर। यदि वो 16 वेंटिलेटर आ जाते हैं तो 1.25 लाख पर 1 होगा, वो बहुत कम है, लेकिन कम से कम एक इतने बिल्कुल सूखा में 1 उम्मीद की बूंद होगा वो।